एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। फ्रेंड, आज मैं हार्डी प्लांट, सुपर हार्डी प्लांट कह लीजिए चाहे आप उनको, उनके बारे में बात करूंगी। और कम केयर में चलने वाले प्लांट हैं, लो मेंटेनेंस तो नहीं है वो, लेकिन जब उनका ग्रो का टाइम होता है तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं, ना ही उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। तो ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगी जो कम केयर में चलने वाले हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि उनकी प्लांट लगाना तो चाहते हैं लेकिन कोई खास देखभाल नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है ये तो कम केयर में चलने वाले प्लांट है। तो सबसे पहले है ये हमारा बोट लिली या रियो प्लांट, इसको दो तीन नाम से जानते हैं और काफ़ी अच्छा ये ग्रो करता है। और ये देखिए, पानी कम लेने वाला प्लांट है, आप इसको हाफ दिन की सनलाइट मिल जाए तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और मैं तो इसको खाद भी बहुत कम देती हूँ, साल में एक बार दे दिया तो दे दिया, और कोई लिक्विड देती हूँ किसी प्लांट को तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। और एक प्लांट से काफ़ी सारे ये प्लांट हो जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं कितने सारे मेरे पास ये प्लांट हैं, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो। दूसरा प्लांट है, ये भी कम केयर में चलने वाला प्लांट है, काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है ये प्लांट, और इसको ग्राउंड फ्लोर में हेज के रूप में भी इसको लगाते हैं और काफ़ी अच्छे से चलता है ये प्लांट। और कई इसकी वैरायटी आती है और मेरे पास ये दो वैरायटी है, और इसकी कलरफुल पत्तियां हो जाती है, डार्क मेहरूम भी होती है, पिंक भी होती है, रेड रेड सी भी हो जाती है, मतलब कई कलर इसमें आते हैं, इसकी पत्तियों में कलर आते हैं। और ज़्यादा कोई केयर नहीं मांगता है ये, अगर इसको पानी भी कम देते हैं तो भी ये चलता रहता है प्लांट, और कोई फर्टिलाइज़र की भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्लांट है ऑल्टानेंथ्रम, ये कई वैरायटी में आता है, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देख। ये है यूका का प्लांट, यूका का प्लांट भी एक बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है, फुल धूप में रहने वाला प्लांट है, कम केयर में चल जाता है ये प्लांट, कोई ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको पानी भी आप 10-15 दिन में देंगे तो भी ये सर्वाइव करता रहता है, साल में एक बार आप इसको खाद दे दो, दे सकते हो तो नहीं भी दोगे तो भी फिर भी ये चलता रहता है, कभी मरने वाला प्लांट नहीं है। और इस तरह से टाइम टाइम पे ये अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है, इससे हमारे प्लांट काफ़ी हो जाते हैं और आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को। दूसरा प्लांट मेरा यहाँ पे ये है, कितना खूबसूरत लगता है देखने में, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। अगेव का प्लांट भी इतना हार्डी है, ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, और काफ़ी लंबा ये हो जाता है, आप देख सकते हैं। मैंने एक लोहे के कनस्तर में इसको लगाया है, जो तेल के पीपे हमारे आते हैं तो उसमें ये मैंने लगाया है, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। और इसके मैंने बेबी प्लांट भी लगाए हुए हैं, और समय समय पर ये भी अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है, और इसी तरह से ये एक फाउंटेन की तरह हमें नज़र आता है। देखिए आप इसको, जैसे हमारा फाउंटेन होता है, फवारा होता है, उसी तरह से ये लगता है देखने में। और इसके बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, अभी तो इसके नहीं है क्योंकि मैंने सारे इसके बेबी प्लांट निकाल के लगाए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा इसका एक बेबी प्लांट यहाँ पे है, और भी मैंने कई लगाए हुए हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही हार्डी प्लांट लेता है पानी, आप इसको कई दिन में दोगे तो भी ये चलता रहता है, ना कोई इसकी खास केयर करनी पड़ती है, बिना केयर के भी ये प्लांट हमारे चलते रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक प्लांट से कई प्लांट ये भी हमारे गार्डन में ऐड कर, हार्डी और परमानेंट प्लांट है ये, आप इसकी छोटी से छोटी भी कटिंग लगाएंगे तब भी ये चल जाता है, और कभी भी इसकी कटिंग लगाएंगे तो ख़राब नहीं होती है ये कटिंग। और इस प्लांट को लगाना बोलते हैं कि शुभ होता है हमारे घर में, और इसकी पत्तियां में इतनी ग्रीनरी बनी रहती है, काफ़ी अच्छे से ये सर्वाइव करता है और काफ़ी हमें ग्रीनरी प्रोवाइड करता है ये प्लांट। और इसको आउटडोर हम रखेंगे तो काफ़ी अच्छी से इसकी पत्तियां, देखिए आप खुद देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी सी निकल के यहाँ पे आ रही है, ये देखिए काफ़ी इसकी अच्छी बड़ी पत्तियां हो रही है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये देखने में। और इसको किसी भी आप तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप इसको टोपियारी भी बना सकते हैं, इसकी कोई भी आप टोपियारी बना सकते हैं, इसके बर्ड्स की बना सकते हैं, या कोई ट्री वगैरह की बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। ये भी पानी कम लेता है क्योंकि इसकी पत्तियों में पहले ही पानी स्टोर रहता है, तो पानी कम लेता है ये प्लांट, कम केयर में चलने वाला प्लांट है, ज़्यादा इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है,
और इसको एक बार खाद दे दो साल में तो ये प्लांट चलता रहता अच्छे से। ये है जड़ प्लांट, ये प्लांट भी इतना हार्डी है, आप इसको एक बार लगाओगे आपके गार्डन से कभी नहीं जाता है। और ये बल्ब से ग्रो होता है ये प्लांट। ये है कैना लिली और ये देखिए कुछ ही अभी 2-3 दिन पहले इसके फ्लावर आए थे और यहाँ पे अभी फ्लावर स्पेंड हो चुके हैं और इसकी लीव्स इतनी बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। एक प्लांट से ये प्लांट भी कई प्लांट अपने ऐड कर देता है। देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से, ये देखिए छोटे छोटे इस तरह से इसके बेबी प्लांट यहाँ पे निकलते रहते हैं। एक ही प्लांट से ये कई प्लांट बनाता रहता है। ये देखिए ये भी छोटे छोटे बेबी प्लांट इस तरह से आप इसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए एक छोटा सा प्लांट यहाँ पर निकला हुआ है, ये तो एक प्लांट से कई प्लांट बना देता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, कभी भी आपके गार्डन में ख़त्म नहीं होने वाला प्लांट है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये भी 2-3 वैरायटी में आता है। अजूबा प्लांट, अजूबा भी एक प्लांट से कई प्लांट बना देता है, लेकिन इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से लगता है। और जब इसकी पत्तियाँ लटकती है ना, बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ लटक जाती है। अभी तो ये छोटा प्लांट है, मैंने पत्ते से ही इसको ग्रो किया हुआ है और ये देखिए आप अब ये पूरा प्लांट बन चुका है। और इसकी जो है ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पत्ती से ग्रो किया हुआ है। आपको देखिए यहाँ पे ये इसकी पत्ती ये मैंने यहाँ पे ग्रो की थी और अब देखिए ये जो प्लांट है यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए ये पूरा प्लांट बन चुका है और साइड में इस तरह से इसके ये छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं और इन्हीं में देखिए रूट होती है ये, तो काफ़ी ग्रो होने में ये समय नहीं लेता है और जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। देखिए आप इसको तोड़ के लगाएंगे मिट्टी में तो ये इस तरह से हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ये लगाया हुआ है, ये भी पत्ती से ही ग्रो किया हुआ है मैंने, ये देखिए। और इसके ये बेबी प्लांट इस तरह से निकलते हैं, तो ये भी हमारे पास कई प्लांट हो जाते हैं और इतना हार्डी प्लांट है ये भी कभी ख़त्म होने वाला प्लांट नहीं है। अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा इस प्लांट को, पत्ती से भी ग्रो होने वाला प्लांट है।